नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत रूस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी के लिए कह रहा है और इस संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विशेष वार्ता में सिस्टम के डिलीवरी को लेकर बातचीत भी होगी। आखिर क्यों, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। से तनाव के बाद भारत रूस से मिसाइल हमले के सुरक्षा कवच H-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी चाहता है। भारत और रूस के बीच 2018 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील फाइनल हुई थी। हालांकि चीन के पास पहले से ही ये मौजूद है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। भारत को इस पर तकरीबन $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स की खरीद कर रहा है भारत, जो देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होगी। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस सुरक्षा कवच के बारे में। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का एडवांस लॉन्ग रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेड वर्जन है। ये मिसाइल सिस्टम रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। एयर चीफ BS धनोवा की माने तो S-400 भारतीय वायुसेना के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा होगा। भारत का पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए इसकी खासी जरूरत है। पाकिस्तान के पास अपग्रेड F-16 से लेस 20 फाइटर स्क्वाड्रंस है। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले J-17 भी बड़ी संख्या में है। पड़ोसी देश और प्रतिद्वंदी चीन के पास 1700 फाइटर हैं, जिनमें 800 4th जनरेशन फाइटर भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी के चलते दुश्मनों से निपटने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है। इसी सप्ताह वायुसेना के चीफ धनोवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कोई भी देश भारत की तरह खतरे का सामना नहीं कर रहा है। हमारे दुश्मनों की नीयत रातों रात बदल सकती है। हमें जरूरत है कि हम अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए पर्याप्त ताकत जुटा कर रखें। बीते कई सालों से अमेरिका तमाम देशों को रूस और ईरान के साथ समझौता करने पर प्रतिबंध और अन्य तरह की धमकियां देता रहा है, लेकिन भारत यदि इस समझौते पर आगे बढ़ता है तो वो ये अहम संदेश भी देगा कि वह रूस और अमेरिका पर निर्भर जरूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से स्वतंत्र है। भारत समय समय पर अमेरिका रूस दोनों को अपने निर्णय से संदेश देता रहा है कि वो किसी भी रक्षा डील में अपने सुविधा को देखकर निर्णय लेगा। इस डील को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, बावजूद इसके डील में कुछ समस्याएं हैं। रूस के साथ डिफेंस डील के चलते अमेरिका भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकता है। यूक्रेन में रूस से दखल और अमेरिकी चुनावों में कथित दखल के बाद अमेरिका ने उस पर CAATSA लागू किया है। इसके तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। सितंबर में अमेरिकी प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ी ट्रांजैक्शन के तौर पर माना जाएगा और इस बार CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
चीन ऐसा पहला देश है जिसने रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत उसने 2014 में यह सिस्टम लिया था। चीन को रूस की ओर से इनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है। हालांकि चीन को दिए गए मिसाइल सिस्टम की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत के अलावा रूस कतर को इस सिस्टम को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। 400 किलोमीटर तक मार करने वाले इस सिस्टम को रूस ने 28 अप्रैल 2007 को तैनात किया था। मौजूदा दौर का यह सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इसके बजाय रूस के पास कम दूरी में मजबूती से मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में सक्षम है। इसके पहले रूस ने इसी तरह के कुछ और हथियार पहले बनाए थे। रूस ने 1967 में सोवियत ने बनाया था S-200 सिस्टम। 1967 में रूस ने S-200 अंगारा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया था। 1978 में S-300 को डेवलप किया गया था। इनका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। 2007 को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। 2020 के अंत तक रूस S-500 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की तैयारी में है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।